नमस्कार मु निता मिश्र मो ढेंकानाल रो श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रो नवम श्रेणी रो छात्री अटे। COVID-19 रो लॉकडाउन समय रे आम आभेती रो सदस्य माने आभेती रो टीचर्स माने छात्र छात्री मानक पई एते परिश्रम करूछंती एवं प्रत्येक संडे आमको गोटे गोटे सुंदर जगह को बुलेबा को नउछंती इवन फॉरेन कंट्री भी। तो सेति पई मोर उभय आभेती रो सदस्य एवं आभेती रो टीचर्स मानक अशेष अशेष धन्यवाद। आमे गत संडे गेस्ट लेक्चर रे गोटे सुंदर जगह थाईलैंड को परिभ्रमण करने को जाइलु। एटारे आमको एक टॉपिक उपर गोटे क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन टी हूँ थाईलैंड रो क्यों कला संस्कृति संस्कृति जीवनशैली को अनुसरण कर आम जीवन को सुख समृद्धि करने समाज विकास करहब। एथिपाई मुझ छोटी पॉइंट बाछी। मोर प्रथम पॉइंट है थाईलैंड अधिवासी मानकर मुखरे हस एवं से मानकर अन्य मानक प्रति सम्मान। तो जदि थाईलैंड अधिवासी माने जेपरी अन्य मानक प्रति सम्मान प्रदर्शन करती तांकर जीवन जेपरी सवाड़ी खान एवं सवाड़ी खापुर आरंभ होता है जहाँकि आम भारत में नमस्कार अटे। तो जदि आम भली सेमती अन्य मानक सम्मान देवा ताले अन्य माने आम उपरे खुशी हेबे। एवं जदि आम सब हस हस मुह प्रदर्शन करवा जदि आम घर को कहीं आसुच्चे आम जदि हसुचे तबे तेबे से आम घर को आसा को बहुत खुशी हेबे। तो सेमती पर्यटक मानक आकर्षित करिवार यह से मानकर एक पंथा थिला जोटा कि तांको मुखरे हस प्रदर्शन एवं अन्य मानक प्रति सम्मान। मोर द्वितीय पॉइंट थिला राजांकर महत्व। थाईलैंड राजांको बहुत महत्व दे जायथाय। तो जदि आम देशर जी हेड आम राज्यर जी हेड जदि आम अनुसरण करवाचर है अनुगामी होगा तेज से आमको बहुत भल पाए जो परामर्श जो उपदेश से आम जीवन में बहुत काम आसव आम समाज विकास होगा सहित तो आम जीवनशैली पर घटव आम थाई मानक राजा और आम देशर हेड जे राज्यर हेड आम अधिक सम्मान देवा महत्व आम रखा। मोर तृतीय पॉइंट थी संयुक्त पर वयस्क मान सेवा। तो थाईलैंड आम देखिले कि वयस्क लोक मान सेवा को निजर धर्म बोले अपनै जेहेतु कथा उठी धर्म संस्कृति उपरे तेणु थाईलैंड रो जो धर्म थिला कि सेमाने वयस्क मानंकु अधिक सम्मान दियंती वयस्क मानंकु सेवा करंती। तो जदि एही धर्म आम भारत रे पालन हुए आम देशवासी जदि एही नियम को फॉलो करंती ताले आम देशवासी गुरुजन मानकर आशीर्वाद लाभ करिवे वयस्क मानकर आशीर्वाद लाभ करिवे। एवं जदि आम भारतीय माने एकता होय कि एकता गठन करिकि संयुक्त परिवार रे रहंती तेबे आम समाज विकास होगा सहित तो आम देशर मध्य अग्रगति घटिबो। पर चतुर्थ पॉइंट थिला कि धर्म संस्कृति रो एक अंग हूँ पर्वपर्वाणी। आम भारत में जोपरी पर्वपर्वाणी हुए थाईलैंड से परी हुए आउ सेठारे गोटे बहुत सुंदर पर्व जोटा मतलब भल लगला होली पर्व। आउ से माने होली पर्व रे बहुत किछि नुआ काम करती जोटा कि हेला आम भारत ठारु से माने डिफरेंट करती। आम भारतीय माने होली पर्व रे रंग पिचकारी गुंड मुंड फटा एपर सब व्यवहार करती किंतु सेठी से माने पानी रे पिचकारी खेलती जोटा मते बहुत भल लगला। आउ एहा द्वारा तांको परिवेश सुस्थ रही पार से माने सुस्थ रही पारे आउ से माने होली पर्व को ठीक से पालन करें। तो जदि आम देशर अधिवासी तांकर ए धर्म संस्कृतिर ए अंग को आम देशर अधिवासी जदि ग्रहण करती तेबे आम जीवनशैली सुखमय हेब आम आनंदमय जीवन जापन करिबा एवं आम समाज निश्चित भाव विकास हेब। मोर पंचम पॉइंट थिला कि सेमाने भिक्षु थाई संस्कृतिर गोटे अभिन्न अंग सेमाने भिक्षु मानक बहुत श्रद्धा करती बहुत स्नेह करती। आम देखिले कि सेडी थाईलैंड रे जणे थाई से आटलिस्ट 15 दिन पर्यंत गोटे भिक्षु बेश धारण करिवो भिक्षा मागिवो एपरि काहिंग होइते। प्रथम पॉइंट हला कि सेमाने भिक्षुक मानकर कष्ट को निजे जानी पारिबे भिक्षुक मानकर कष्ट को निजे अनुभव करि पारिबे बोली सेमाने एपरि करंती। तृतीयतः जेहेतु सेमाने बुद्धिस्ट तेणु बौद्ध बौद्धंकर जहाँ भी किछि कथा थिला बौद्धंकर जहाँ भी किछि पथ मार्ग बौद्ध देखि जाइथिले तो से मार्ग को निज जीवन रे आणिबा पई से कथा को से पथ को निज जीवन रे अंगे निजे अंगे लिभेबा पई एवं निज जीवन रे ताकु काम रे लगेबा पई बुद्धंकर कथा गुडी को बुद्धंकर पथ गुडी को सेमाने एपरि करथांदी। तो जदि आम भारतीय अधिवासी माने तांको मानको प्रति भिक्षुक मानको सम्मान दियंती तेबे आम भारतर लोक मानकर जीवनशैली सुखमय हेबो एवं आम भिक्षुक मानकर दुख दूर हेबो। समाज रे भिक्षुक समस्या जहाँ बर्तमान एक बहुत बड़ समस्या भिक्षुक दारिद्र्य समस्या ताहा दूरीकरण हो पार आम भारत में जन भिक्षुक बहुत विकल होकर मागिले आम भारत में किसी समय पर आम किसी टंका दे था किंतु सेठी स्वच्छंदे से प्रदान करती भिक्षुक मानक जहाँ मत बहुत भल लगला। ष पॉइंट मोर थिला
ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାରତର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସେଠି କିଛି ପ୍ରଚଳିତ, ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼, ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟତା ନ୍ୟାୟତା ଧର୍ମତାର ପ୍ରତୀକ, ତ ସେମାନେ ଗରୁଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଭାରତରେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଜେନେରାଲି ପଥର ପିତ୍ତଳର ଥାନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଣିକ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମେରାଲ୍ଡ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲେ କି ହ୍ୱାଟ, ଆଉ ମନ୍ଦିରମାନ ବି ସେମାନେ ସେମିତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁଟା ରାମାୟଣ, ସେଠି ସେମାନେ ରାମକିୟନ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ, ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେମାନେ ଆମ ଭାରତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଦେଶ। ତ ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଥିଲା, ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରୁ ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିକି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଯଦି ଆମ ଦେଶକୁ କେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିକି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଥରେ ଭାବିବା ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେବ, ଆମ ସମାଜର କେତେ ବିକାଶ ଘଟିବ, ଆମ ସମାଜର କେତେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଏଇ ମୋର 6 ପଏଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଲି କି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶର ଯାହା ବି କିଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଘଟେଇବା, ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉନ୍ନତି ଘଟେଇବା, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ସମାଜର ବିକାଶ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କି ବହୁତ କିଛି କାରଣ ସିମିଲାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସହିତ ଥାଇଲାଣ୍ଡର। ତ ଏହିପରି ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଥାଇ ଭାଷାରେ ମୋ ତରଫରୁ କାପୁନ୍ ଖାପ୍ ଏବଂ କାପୁନ୍ ଖାନ୍। Thank you.